गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ इज कमलेश कुमार भारद्वाज, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, डाइट 16। आज हम क्लास जो है वो 11th लेंगे और उसका टॉपिक जो है इंडेक्स नंबर। बच्चों, आपको इंडेक्स नंबर के बारे में डिटेल से बताया जाएगा, इंडेक्स नंबर क्या है और इंडेक्स नंबर को याद करने के कौन कौन से सूत्र जो हैं या फार्मूलाज है उनके बारे में आज जो है वो पढ़ेंगे, ताकि वो आपके एग्जाम में भी जो है वो आगे काम आए। तो सबसे पहले एक बार फिर आप सभी को गुड मॉर्निंग, और मैं अपना इंडेक्स नंबर जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंडेक्स नंबर होता क्या है, हिंदी में इसे सूचकांक कहते हैं। इंडेक्स नंबर सूचकांक या निर्देशांक भी बोलते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को जो है जिनकी जानकारी जो है वो देते हैं। सूचकांक है क्या? सूचकांक जो है वो एक संख्यिकी माप है। सूचकांक एक संख्यिकी माप है, स्टैटिस्टिकली टूल है, जो समय स्थान या अन्य किसी विशेषता अन्य किसी विशेषता के आधार पर के आधार पर तथ्यों तथ्यों जैसे कीमत, उसको हम इंग्लिश में प्राइस बोलते हैं, पी उत्पादन प्रोडक्शन, आयात निर्यात एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, शॉर्टकट में हम इसको एक्सिम भी बोलते हैं। इन सारी मदों में या आदि में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिशतों के रूप में प्रतिशतों के रूप में व्यक्त या अभिव्यक्त करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2010 में प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है, तो उसके कंपैरिजन करने के लिए 21 साल के, जैसे 2004 की अपेक्षा 2010 में कीमतें जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ी है, क्या चेंजेस जो है वो इसमें आए हैं, तो उनका भी इसमें डेफिनेशन में जो है वो आपको बताया जाएगा। इसका अध्ययन करने के लिए जो है थ्री प्रॉब्लम्स, तीन समस्याएं जो है वो है, तीन समस्याएं जैसे नंबर एक, 2010 का मैंने एग्जांपल दिया है, तो 2010 में कीमतें
2010 में प्राइसेस जो है वो किस दर से बढ़े हैं, किस रेट से जो है वो इंक्रीज हुए हैं उसके बारे में। सेकंड आता है, जब वस्तुओं की कीमत अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक बढ़ जाए। दूसरा आता है गुड्स, उनकी जो प्राइसेस है वो अदर गुड्स के कंपैरिजन में, अदर गुड्स के कंपैरिजन में बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, ब्रैकेट में बढ़ जाए, तो हम कैसे इसका निदान जो है वो करेंगे। और तीसरी बात जो है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की कीमतों को, डिफरेंट गुड्स आपको पता होगा मार्केट में बहुत सारी गुड्स हैं, एज ए कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, डिफरेंट गुड्स की कीमतों को, प्राइसेस को किस यूनिट में, यूनिट्स में मापा जाता है, मेजरमेंट की जाती है उसकी, कहने का ये है कि मेजरमेंट की जाती है। जैसे दूध है, फॉर एग्जांपल दूध जो कई तरह के उसके प्रोडक्ट जो वो तैयार किए जाते हैं उसको जो वो हम लीटर में मापते, इसमें लीटर में। दूसरी तरफ चीनी है, शुगर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में चीनी, शुगर को केजी में जो है वो मेजर किया जाता है, किसमें किया जाता है, केजी में। तो ये समस्याएं हैं तीन जिसको हमें सूचकांक ज्ञात करने से पहले स्टडी करना पड़ेगा कि 2010 में प्राइसेस किस दर से बढ़ी, फिर डिफरेंट गुड्स जो थी उसका मेन वस्तु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और तीसरा वो जो डिफरेंट गुड्स थी उसको किन इकाइयों में जो है वो मापा गया। नेक्स्ट आता है इसमें, और जैसे मैंने दो वस्तुओं का आपको जो वो एग्जांपल दिया है तो उसकी एवरेज जो है वो कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपको, मान लो आलू है और प्याज है, आलू को आपको पता है, पोटैटो और प्याज को आपको पता है, आलू को आ गया पोटैटो, पोटैटो और अनियन। अगर आलू की कीमत 300 है और प्याज की कीमत 200 है तो इनकी हम एवरेज जो है वो कैसे निकालेंगे। दो गुड्स हैं और जिसकी एवरेज जो होगी 300 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि गुड्स 2 है तो ये आएगा 500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 250। ये जो इसकी एवरेज है वो कॉस्ट जो है वो निकलेगी। थोड़ा सा मेरे को स्पीड कर, डेफिनेशंस क्या है इसकी, डिफरेंट डेफिनेशंस, डेफिनेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इसमें बहुत सारी सादा डेफिनेशंस है, हम केवल दो या तीन डेफिनेशन के बारे में ही यहाँ पे जो वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन जो है क्रॉक्सटन एंड काउडन, CROXTON, क्रॉक्सटन एंड काउडन, क्या कहते हैं ये, ये भी अर्थशास्त्री हुए क्रॉक्सटन एंड काउडन। इनके अनुसार सूचकांक संबंधित चरों के, सूचकांक संबंधित चरों के, संबंधित चरों के एक समूह के, एक समूह के मूल्य, एक समूह के मूल्य में अंतर को मापने की, अंतर को
मापने की विधियां है। क्लियर हो गया ना, विधियां है। इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे हम, ऐसा नहीं है, हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में दोबारा सुन लो, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सूचकांक संबंधित चरों के एक समूह के मूल्य में अंतर को मापने की विधियां, विधि या विधियां है। इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस, इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स क्लियर हो गया। सेकंड जो है ब्रेंसन, सेकंड डेफिनेशन BRMSON ब्रेंसन में की है। ब्रेंसन के अकॉर्डिंग या ब्रेंसन के अनुसार सूचकांक किसी वस्तु के मूल्य का वस्तु के मूल्य का समय के एक निश्चित बिंदु पर किसी अन्य आधार मींस बेस आधार तक की भूतकालीन मात्रा के संदर्भ में परसेंटेज के रूप में प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त या व्यक्त किया जाता है। ये ब्रेंसन ने कहा है कि किसी वस्तु के मूल्य का एक समय के निश्चित बिंदु पर किसी अन्य आधार तक की भूतकालीन मात्रा के संदर्भ में प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इंडेक्स नंबर्स measure the size of some object at a particular point particular
पॉइंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एज अ परसेंटेज ऑफ सम बेस ऑब्जेक्ट इन द पास्ट इंडेक्स नंबर्स वेयर द साइज ऑफ सम ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एज अ परसेंटेज ऑफ सम बेस ऑब्जेक्ट इन द पास्ट. समझ गए ना आप? दिस देन नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो ग्रिफर की है. मैंने यहाँ पे दो ही डेफिनेशन जो है वो लिखी है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके बाद आता है इसके फीचर्स या विशेषताएं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या है? नंबर एक, सूचकांकों की कुछ खास बातें भी हैं, विशेषताएं भी हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे. नंबर एक, परिवर्तनों के सापेक्ष मान. परिवर्तनों के सापेक्ष माप. ये सापेक्ष माप क्या होते हैं इनके? मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंजेस कि विभिन्न समय में चर या चरों के सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन का माप किया जाता है. डिफरेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल या वेरिएबल मल्टीपर्पज, वन वेरिएबल भी हो सकता है, टू वेरिएबल भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, उनमें क्या चेंजेस आ रहा है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 2000 में प्राइस इंडेक्स जो था हमारा, 2000 में प्राइस इंडेक्स था PI जिसको बोलेंगे 100, प्राइस इंडेक्स जो था वो 100 था, जो कि 2008 में बढ़कर के ये ही प्राइस इंडेक्स जो है वो 200 हो गया, डबल हो गया या दुगना हो गया. तो क्या हुआ, मैं दे रहा था एग्जाम्पल 2000 में प्राइस इंडेक्स जो है वो 100 था और 2008 में बढ़ करके ये 200 हो गया, दुगना हो गया. तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें 100% वृद्धि होगी. कितनी होगी? 100%, दुगनी हो गई. 100 से सीधा जो है वो 200 हो गया. तो ये जो है वो रिलेटिव चेंज जो है वो पड़ गया इसके. ये इसकी खास बात है कि कितने प्रतिशत जो है वो वृद्धि हो रही है. सेकंड आता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, संख्यात्मक माप में व्यक्त करना. संख्याओं को जो है वो संख्या के रूप में ही व्यक्त करना, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन. संख्याओं के रूप में अभिव्यक्त करना. इसमें भी वेरियस एग्जाम्पल जो वो दिए जा सकते हैं कि सूचकांक की सहायता से, या सूचकांक की ये खास बात है कि जितने भी वेरिएबल हैं, चर हैं, उनको संख्याओं के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है. जैसे चीनी है कितने केजी चाहिए, गेहूं है कितने केजी चाहिए, वो संख्याओं में है, नंबर ऑफ टर्म्स.
और उसमें कितने प्रतिशत जो है वो वृद्धि हो रही है किसी भी एक वस्तु के कंपैरिजन में दूसरी वस्तु में, क्या 3% हो रही है डिफरेंट गुड्स में, या फिर 3.5% हो रही है, या 4% हो रही है, और मार्केट के ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो क्या पड़ रहा है। ये सारी बातें हमें सूचकांक की सहायता से ही जो है वो प्राप्त होती है। और तीसरी बात जो इसमें आती है, तीसरी इसकी खास विशेषता जो है वो एवरेज, औसत, हिंदी में से औसत कहते हैं, इंग्लिश में एवरेज। एवरेज औसत का मैंने पीछे भी डेफिनेशन में थोड़ा सा जो है वो आपको पॉइंट दे दिया था कि औसत को सूचकांकों के द्वारा जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको औसत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। कैसे अभिव्यक्त किया जाता है? औसत के रूप में। सूचकांकों के द्वारा परिवर्तनों को, जितने भी चेंजेस है या परिवर्तन है, चेंजेस या परिवर्तन है उनको औसत के रूप में एवरेज के रूप में अभिव्यक्त जो है वो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2009 और 10 के बीच में सपोज करो 7% वृद्धि होती है 2009 से 10 के बीच, जो प्राइस राइज है वो 7% हुआ है। कितना परसेंट हुआ है? 7% हुआ है 2009 में भी और 2010 में भी। तो इन दोनों की एवरेज जो होगी वो कितनी होगी? 7% ही होगी, क्योंकि यहाँ भी 7% है और यहाँ पे भी 7% है। तो एवरेज निकालना आपको इज इक्वल टू फर्स्ट गुड्स एंड सेकेंड, या फर्स्ट 7/7 डिवाइडेड बाई 2, 14/7 की 7% को आ गया। ये है इसके चीजें। तो देयर आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इंडेक्स जो कि हमारे इंडेक्स नंबर को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हमारी सहायता करते हैं। देन नेक्स्ट आता है डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स। सूचकांक बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है या कौन कौन सी कठिनाइयां जो है वो हमारे सामने आती हैं? सूचकांकों की रचना, सूचकांकों की रचना करते समय कौन कौन सी रचना करते समय कठिनाइयां या समस्याएं आती हैं उनको भी पढ़ेंगे हम 1 by 1, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचकांकों की रचना करते समय कठिनाइयां या समस्याएं जो है वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, पर्पज ऑफ द इंडेक्स। क्या है पर्पज, क्या होना चाहिए इसका? पर्पज ऑफ द इंडेक्स, उद्देश्य क्या है इसका? सूचकांक का जो है वो उद्देश्य क्या होना चाहिए? इंडेक्स नंबर्स, उद्देश्य ये है कि ये अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति जो है वो करता है। बनाने से पहले ये निश्चित करना हमारे लिए जरूरी है कि हम ये सूचकांक किसके लिए बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या इसका हमारे लिए फायदा रहेगा, सरकार के लिए फायदा रहेगा या आम पब्लिक के लिए फायदा रहेगा। तो पर्पज ऐसा होना चाहिए जिसका समस्त उपभोक्ताओं को भी फायदा हो, सरकार को भी फायदा जो है वो हो। जैसे हम अगर इसकी एज ए मॉनेटरी टर्म्स में करें तो मुद्रा के रूप में अगर हम सूचकांकों कर तो लोगों की क्रय शक्ति क्या है, परचेजिंग पावर क्या है लोगों की, परचेजिंग पावर, और उसको मनी क्या इफेक्ट कर रहा है, उसमें होने वाले परिवर्तन कैसे पड़ रहे हैं, उन सब के बारे में जो वो जानकारी मिलती है। तीसरी
तीसरी बात ये आती है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स कीमतों का जो है उनका जो ज्ञात किया जा रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर या रिटेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर, मतलब थोक कीमतों के आधार पे या परचून कीमतों के आधार पे जो है वो उनका सूचकांक का जो है वो निर्धारण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये तो सर्वविदित है कि होलसेल में कोई भी सामान खरीदेंगे वो सस्ता पड़ता है और रिटेल में कोई भी सामान खरीदेंगे बच्चों तो वो महंगा पड़ता है। तो ये कठिनाई तो आएगी आएगी। सपोज करो आपने कोई कॉपी ले ली है, वो कॉपी आती है 10 रुपए की, ठीक है ना, नोटबुक, इसमें एग्जाम्पल जो है वो बढ़िया है ताकि आप उसको, उसका रुपीज है 10 रुपीज, ठीक है, एक कॉपी, नंबर ऑफ आइटम 1 पीस, परंतु वही कॉपी अगर हम 100 कर दे उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो उसकी कीमत जो है वो क्या हो जाएगी, 10 से 7 रुपया हो जाएगी, 7 रुपीज कम होगी ना। जैसे दूसरा, आप बॉल पेन खरीदते हैं अपने लिए या जेल पेन खरीदते हैं जो भी है या स्केच पेन खरीदते हैं, सपोज करो उसकी 10 रुपया कीमत, परंतु वही अगर आप पूरा पैकेट लेते हैं तो वो आपको 80 रुपीज या फिर 70 रुपीज में जो है वो पड़ जाता है। तो कहने करते कि तो सारे उपभोक्ता थोक में नहीं खरीद सकते ना, थोक में तो वो जो थोक व्यापारी है वही खरीद सकता है, हम और आप तो रिटेल में ही जो है वो उसको खरीद सकते हैं, परंतु फिर भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इनके माध्यम से प्राप्त होती है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैसे ज्ञात किया जाता है, रिटेल प्राइस इंडेक्स को कैसे ज्ञात किया जाता है। इसको बनाने में कठिनाई तो आती ही है। देन सेकंड आता है आपका सिलेक्शन ऑफ द बीसीएल, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, आधार वर्ष का चुनाव, बेस होता है आधार, क्या होता आधार, आधार वर्ष का चुनाव, किसे हम आधार वर्ष जो है वो माने, किसे चूज कर, आधार वर्ष पहले होना क्या, कैसे चाहिए, आधार वर्ष है क्या चीज, बेस ईयर किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको जो है वो हमने सिलेक्ट करना है। बेस वह ईयर होता है जिसमें प्राइसेस में नो चेंज, ना कीमतें ज्यादा होती है और ना ही कीमतें जो है वो कम होती है, उसे ही सरकार जो है वो आधार वर्ष जो है वो चुनती है। आज के डेट में जैसे 2004 को जो आधार वर्ष ही चला हुआ अभी, जबकि 14 और 16 को चुनना चाहिए वो नहीं चुना है, अभी तक पुराना ही आधार वर्ष है, 2004 को ही जो है वो चुना गया है आधार वर्ष। अब कैसे चुना जाता है, इसका चुनाव कैसे होता है, ये तो मैंने वैसे आपको एग्जांपल तो बता दिया कि 2003 और 2004 तीन में सपोज करो कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं और चार में कोई चेंज नहीं आई, फिर पांच में कीमतें कम हुई है, छह में फिर कीमतें बढ़ गई हैं, तो क्या हुआ कि चार में जो है, चार को जो है वो सरकार ने क्या चुन लिया, बेस ईयर बी आधार वर्ष। ये बिल्कुल क्लियर है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसकी सिलेक्शन करना जो है, आप हेडिंग के बाद आप 2-3 लाइनें जो है वो उसमें जो है वो लिख सकते हैं कि आधार वर्ष का चुनाव जो है वो कैसे करना है। देन नेक्स्ट आता है आपका तीसरा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस या कमोडिटी, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड या कमोडिटी एंड सर्विस, गुड्स या सर्विस, वस्तुओं व सेवाओं का चुनाव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वस्तुओं व सेवाओं का चुनाव कैसे किया जाए, बड़ी प्रॉब्लम है,
सूचनांक बनाते समय भी प्रॉब्लम आती है, सारी वस्तुओं को क्या शामिल किया जाए या कुछ एक चुनिंदा वस्तुओं को ही शामिल जो है वो किया जाए, किस वस्तु को शामिल किया जाए और किसको जो है वो छोड़ा जाए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए। परंतु ये भी बात है, ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है कि सारी वस्तुओं को इसके सिलेक्शन करते समय हम इसको जो है वो इसको शामिल नहीं कर सकते, सभी वस्तुओं को सूचकांक बनाते समय हम शामिल नहीं कर सकते हैं, केवल उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो गुड्स हैं केवल इनकी रिप्रेजेंटेटिव्स अर्थात जो प्रतिनिधित्व करती है वस्तुएं उन्हीं को चुना जा सकता है, रिप्रेजेंटेटिव्स। इसी तरह सर्विसेज की भी रिप्रेजेंटेशन जो है चुनिंदा, जैसे अगर हम कंज्यूमर गुड्स के बारे में कहें तो जैसे दूध, चावल, चीनी, कपड़ा, गेहूं इत्यादि। सर्विसेज में कुछ एक सेवाएं जो जरूरी है जैसे बीमा, बैंकिंग इत्यादि, बाकी चिकित्सा सेवाएं है, शिक्षा सेवाएं है, कितनी सारी सेवाएं जो है, तो उसमें से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव से प्रतिनिधित्व के तौर पे, जैसे हम इसका दूसरा एग्जांपल देखो, नहीं तो सारी वस्तुओं को चुनना बड़ी कठिनाई जो है वो आती है। जैसे एक हम इसका लाइव एग्जांपल, आप क्लास में बैठते हैं और क्या होता है कि क्लास में मॉनिटर जो है आपके अध्यापक जो है वो एक ही बच्चे को मॉनिटर बनाते हैं, ये अलग बात है बारी बारी उनको मॉनिटर बनने का मौका दिया जाता है, परंतु रिप्रेजेंटेशन जो है पूरी क्लास की एक ही क्लास लीडर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं हैं परंतु उनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ चुनिंदा वस्तुओं के रूप में यहाँ पे की जाए तब है, फिर भी समस्या आ जाती है, दूध का रेट अलग है, चावल का अलग है, चीनी का अलग है, कपड़े का अलग है, गेहूं का अलग है, सर्विसेज में बीमा अलग है, बैंकिंग अलग है, सेवाएं अलग मिल रही हैं, तो ये सारी इसमें जो है वो आ जाता है, इसकी सिलेक्शन कैसे की जाती है। देन फोर्थ पॉइंट आपका जो है वो आता है कि सिलेक्शन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस, कीमतों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं जी एंड एस, कि वस्तुओं व सेवाओं का जो कीमतें हैं उसका चुनाव कैसे करना है। तो ये अभी भी पीछे भी कोरिलेट हुआ, क्या होलसेल के ऊपर करना है या रिटेल के ऊपर करना है, होलसेल थोक और रिटेल होता है फुटकर, और किन वस्तुओं को चुना जाए ये हमारे लिए समस्या है। अब होलसेल का मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको कि इतना सारा सामान हम इकट्ठा भी नहीं रख सकते घर में, नहीं तो हमारा सारा बजट जो है वो उसी में जो है वो लग जाएगा, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी वस्तु हमें होलसेल में लेनी है और कौन सी वस्तु हमें जो है वो रिटेल में लेनी है, जी मीन्स गुड्स। इसके सिलेक्शन करने में जो है वो ये, जब हम सूचकांक बनाते हैं जैसे सीपीआई, सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जब इसको बनाते हैं तो कठिनाई तो हमारे सामने आएगी आएगी, कौन सी वस्तुओं को शामिल किया जाए, कौन सी वस्तुओं को शामिल ना किया जाए। देन नेक्स्ट आता है टू फाइंड आउट द एवरेज प्राइसेस, एवरेज कीमत जो है वो कैसे निकालनी है, कीमतों का औसत जो है वो कैसे निकालना है। तो कीमतों का औसत कैसे निकाला जाता है ये आपको अभी मैंने 2 साल का जो है वो अध्ययन करके बता भी दिया था, कीमतों के औसत निकालने के लिए इंडेक्स नंबर की सहायता से, मान लो किसी वस्तु की कीमत चालू वर्ष में तो उसको हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो आधार वर्ष है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी चालू वर्ष की कीमत होगी, मान लो किसी वस्तु की कीमत 10 रुपया है, ये चालू वर्ष में आ गई और आधार वर्ष में 5 रुपया है, तो इसका जो प्राइस इंडेक्स है PI
वो निकालेंगे पी वन बटा पी जीरो मल्टीप्लाई बाई 100, दैट मीन्स 10 बटा 5 गुणा 100। इसको डिवाइड करके आप जो है वो निकाल सकते हैं 10 बटा 5 गुना 100, तो ये 5 से 20 और 20 गुना 10, तो सूचकांक जो है आपका वो 200 आ गया। ये इसकी एवरेज जो है वो निकली है। तो अब ये था पांचवा पॉइंट। छठा है आपका भारांकन की विधि की सिलेक्शन जो है उसमें किस मेथड को जो है वो ज्यादा वेटेज दी जाए। सिलेक्शन ऑफ मेथड, सिलेक्शन ऑफ मेथड जिसको हम पढ़ेंगे अभी सेकंड पीरियड में, जो वो पढ़ेंगे कि मेथड्स कौन कौन से हैं, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ वेट या वेटिंग या वेइंग, भारांकन की विधि का चुनाव, सिलेक्शन करना है हमने कि कौन से मेथड को जो है वो अडॉप्ट किया जाए। सिंपल मेथड को अडॉप्ट किया जाए, ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को किया जाए, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव को यूज किया जाए, या दूसरा इसका बी पार्ट है सेकेंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स को यूज किया जाए, या फिर वेटेड एग्रीगेटेड मेथड को जो है वो यूज किया जाए। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को यूज किया जाए। तो ये मेथड्स के बारे में हम सेकेंड जो पीरियड होगा उसमें पढ़ेंगे, अभी तो हम इसी में चले हुए हैं कि कौन कौन सी कठिनाइयां जो है वो आ रही है। देन नेक्स्ट आता है सूत्र का चुनाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज, सेवेंथ पॉइंट। सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, किस फार्मूले की सहायता से जो है वो हम सूचकांक निकालें। सूचकांकों को निकालने के बहुत सारे जो फार्मूले हैं वो दिए गए हैं, जैसे लॉस्पियर विधि है, पाश्चे है, डार्विश व बाउले है और फिशर्स है। चार पांच विधियां हैं जो आपके लिए जो है विधि, लॉस्पियर विधि, पाश्चे विधि, फिशर्स विधि, लॉस्पियर्स मेथड, पाश्चे मेथड, फिशर्स फिशर्स का नाम है फिशर्स आइडियल इंडेक्स, आइडियल इंडेक्स मेथड, डॉरिश व बाउले, डॉरिश एंड बाउले, कैलीज मेथड, देर आर सो मेनी मेथड्स, बट आपके सिलेबस में जो वो तीन चार मेथड्स जो वो दिए गए, केवल तीन ही है जिसमें से आपका लॉस्पियर विधि है, पाश्चे विधि है और फिशर्स है, आपके लिए यही है। इसमें से सम भी जो है वो आता है, एक न्यूमेरिकल जो है भी आता है, तो ये भी सिलेक्शन है। जो मेथड दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो सम को जो है वो सॉल्व करेंगे, उसके बिना नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट आपका आता है कि इसके
लाभ क्या है सूचकांकों के, ये इसका लास्ट है इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है लिमिटेशन बस्ती है, फिर ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो जाता है कि एडवांटेज या यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर, यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स लाभ क्या है इसके या उपयोग क्या है? नंबर एक, कीमत स्तर या मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप, कीमत स्तर या मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप, परिवर्तन का माप। पहला जो इसका लाभ है, फर्स्ट जो है मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी, कि समय समय पर कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन या मुद्रा के मूल्य की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है। ये जानकारी हमें इससे मिलती है कि प्राइसेस में चेंज कैसे आ रहा है, कौन सी कंडीशंस में आ रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस, द फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशन एंड सेकेंड इज डिफ्लेशन। आपके लिए ये नया टॉपिक आया होगा जबकि पढ़ रहे हम इंडेक्स नंबर, परंतु बीच में एग्जाम्पल दिया इसने कि कीमतों में परिवर्तन कैसे आता है। कीमतों में परिवर्तन आता है मुद्रा स्फीति या मुद्रा अवस्फीति, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देयर आर टू कंडीशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें कीमतें जो है वो बढ़ जाती है, प्राइसेस राइज। और जबकि डिफ्लेशन क्या होता है, जिसमें कीमतें कम हो जाती है। बच्चों तो आपको पता होगा कि कीमतें कम और बढ़ती क्यों है, ये इसलिए बढ़ती है। ब्रीफ में इसके एग्जाम्पल को रिलेट करूंगा कि इसका सीधा प्रोडक्शन के साथ संबंध है, उत्पादन प्रोडक्शन एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, डिमांड एंड सप्लाई, ये भी इफेक्ट करती है इसको, प्राइसेस प्राइस राइज को। इसी तरह यहाँ पे भी वही सेम है कि कीमतें कम हो रही है तो प्रोडक्शन का भी असर होगा और डिमांड एंड सप्लाई का जो है वो भी असर इसके ऊपर पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमें इंडेक्स नंबर के माध्यम से जो है वो प्राप्त होती है। कीमत स्तर में मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन या करेंसी में चेंज आ जाता है, जैसे रुपीस है, रुपीस की वैल्यू क्या है मार्केट में, और रुपीस के कंपैरिजन में आपका डॉलर, डॉलर जो है वो काफी महंगा है, यूएसए का डॉलर या फिर यूके का डॉलर, यूएसए यूके का पौंड, जिसकी वैल्यू आज के दौर में जो है 95 से 100 रुपीज तक है। कितनी है, 95 से 100 रुपीज तक है। डॉलर की वैल्यू जो आपको बता दी, $1 इक्वल टू 95 to 100, इससे भी ऊपर है ये अप्रॉक्सिमेशन, आज की देखनी पड़ेगी कितनी। इसी तरह सॉरी $1.95 तो 75 से 80 रुपए तक है, पर पौंड जो है जो यूके का है उसकी वैल्यू 95 से 100 रुपए है। ये यूके का है और ये जो है वो यूएसडी का, ये इसमें जो है वो बात आती है कि क्या कितने चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। देन सेकंड पॉइंट आता है जीवन स्तर में परिवर्तन का ज्ञान, नॉलेज ऑफ चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चेंजेस या चेंज इन द लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड
उसकी नॉलेज जो है वो हमें प्राप्त होती है कि लोगों का रहन सहन का स्तर कैसा है, लोग कैसे जी रहे हैं, किस क्लास के लोग जो वो जी रहे हैं, पुअर क्लास का कैसा है स्टैंडर्ड, मिडिल क्लास का कैसा है और रिच क्लास का कैसा है। देयर आर थ्री क्लासेस ऑन इकोनॉमिक बेसिस, कितनी क्लासेस है समाज में, तीन। मिडिल की भी एक अपर मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है एमसी और एक दूसरी जो है वो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास। और रिच तो आपको पता ही है, वो काफी रिच है। क्या उनकी आय बढ़ रही है, तो क्या उनकी परचेजिंग पावर जो है वह भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? आय तो बढ़ रही है, तो उस आय को वो कंज्यूम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गरीब जो है या पुअर जो है, वो जो लाइफ की नेसेसिटीज हैं उनके लिए ही बेचारे लड़ते लड़ते जो है उनका जीवन चेंज। सरकार जितनी पॉलिसीज बनाती है गरीबी को दूर करने के लिए, निर्धनता को समाप्त करने के लिए, तो क्या होता है उनका आंकड़ा जो है वो सरकार प्राप्त करती है, स्टडी करती है कि कितने परसेंट लोग हिंदुस्तान में जो है वो गरीब है। अगर आज का डाटा लिया जाए तो देयर आर 27% लोग जो है वो हिंदुस्तान में इस गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, जिनको जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी। दूसरी क्लास आती है आपकी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का ऐसा है कि उनको रोजगार के साधन तो प्राप्त है, परंतु उसमें जो लोअर मिडिल क्लास है वो चिल्ला रही है कि सरकार ने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं और हमारा गुजारा जो है वो नहीं हो रहा है, हम अच्छा जीवन यापन जो वो व्यतीत नहीं कर सकते, वो चिल्ला रहे हैं। तेल महंगा हो गया, खाने की वस्तुएं जो वो महंगी होगी, ये कौन चिल्लाते हैं? लोग जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। इसी तरह दूसरी अपर मिडिल क्लास है, वो बोल रहे हमारा गुजारा हो रहा है, जैसे तैसे भी है, हमारी जो है वो जीवन जो है हम यापन जो है वो कर रहे हैं, पर चिल्ला नहीं रहे हैं। और तीसरा जो कैटेगरी आती है वो रिच क्लास आती है, अमीर लोग या साधन संपन्न लोग, वो चिल्लाते नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज ही इतने हैं कि उनको चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जिनको हम पूंजीपति कहते हैं, वो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जैसे टाटा बिरला वगैरह, लाल सिंघानिया, या फिर आपके ये रिलायंस पर जितनी बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज है, वो सारे इसी में आते हैं, वो रिच कैपिटलिस्ट उनको कहा जाता है। तो इनका जो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि इनका लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स सूचकांकों की सहायता से इनके जीवन यापन का जो है वो हमें पता चलता है। ये सबसे बड़ा लाभ है। गरीब कैसे जीवन यापन करते हैं, अमीर कैसे करते हैं, और हम जो मध्यम वर्गीय है वो कैसे करते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि कैसे है गरीब, मध्यम वर्गीय कैसे हैं और अमीर लोग जो है वो कैसे हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको डिटेल से जो है वो बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड अलाउंसेस, ये वर्किंग क्लास के लिए आया है। एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड अलाउंसेस, वेतन व भत्तों में सुबह रही, वेतन भत्तों में समन्वय स्थापित करना, यह भी सरकार जो प्रयास करती है, वेतन व भत्तों में समन्वय जो है वो स्थापित किया जाता है कि किसी भी देश में जीवन निर्वाह के व्यय जो है, एक्सपेंडिचर जो है, वो क्या बढ़ा है या घटा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है या घटा है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये सर्टेन कंडीशंस हैं जिसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, और उसी के आधार पे जो है वो, जैसे मैंने अलाउंसेस का एग्जांपल लिया या सैलरीज का लिया, टाइम टू टाइम जो है वो पे कमीशंस की रिपोर्ट आती है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए या प्राइवेट सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, प्राइवेट सेक्टर में तो उनको सैलरी जो है वो दी जाती है उनके ऑर्गेनाइजेशन के।
माध्यम से। साथ में अलाउंसेज जो टाइम टू टाइम कोई डिफरेंट टाइप्स के अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे डीए डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, तो कितना बढ़ाना है, महंगाई कितनी है, कितनी बड़ी है, उस हिसाब से जो है वो उसमें शामिल किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है यूजफुल टू बिजनेस मैन, बिजनेस कम्युनिटी को लाभदायक है, यूजफुल टू बिजनेस मैन या बिजनेस कम्युनिटी, जो व्यापारिक वर्ग है या व्यापारिक लोग हैं उनके लिए भी ये सूचकांक लाभदायक होते हैं। कैसे होते हैं उनके लिए सूचकांक ये लाभदायक, कि अब व्यापारी वर्ग जो है वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए भविष्य में क्या करना है, किस सामान का स्टॉक रखना है, कौन सी वस्तु जो है वो महंगी होने वाली है और कौन सी वस्तु जो वो सस्ती होने वाली है, फ्यूचर की प्लानिंग को उसने प्रपोज करना है, ये इसमें आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि उसको फ्यूचर में जो ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। बिजनेस तो किया ही लाभ के पर्पज से जाता है, आपको पता ही होना चाहिए क्यों किया जाता है बिजनेस, लाभ के पर्पज से ही किया जाता है। तो जब तक उसको उद्योगपति को या बिजनेसमैन को लाभ होता रहेगा तब उसका काम जो है वो चलता रहेगा, और जब लाभ नहीं होगा तब वो काम करना जो है बंद कर देगा, या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स, वस्तु को महंगी दामों पर बेचेगा। परंतु ये आंकड़ों जो है ये सूचकांक की सहायता से ये आंकड़े जो है वो हमें उपलब्ध होते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो है वो बिजनेसमैन के लिए जो है वो भी लाभदायक होता है। अगला पॉइंट आता है आपका नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, उत्पादन के बारे में जानकारी, उत्पादन के बारे में जानकारी, उत्पादन की जानकारी जो है किस वस्तु का कितना उत्पादन हुआ है वो भी हमें सूचकांकों की सहायता से ही जो है वो प्राप्त होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना उत्पादन हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिफरेंट आइटम्स को प्रोड्यूस किया जाता है, इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और सर्विस सेक्टर में भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का। देयर आर थ्री सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर मींस इसे हम प्राइमरी सेक्टर जो है वो भी कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। इंडस्ट्रियल सेक्टर मींस औद्योगिक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर से जो है वो कहा जाता है, और थर्ड या टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं, या सर्विस सेक्टर, सेवाओं का क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो है वो सृजन किया जाता है, उसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो बच्चों ये हमें उत्पादन के बारे में जो है वो पता चलता है कि एग्रीकल्चर में कितना उत्पादन हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपको पता है इसको ज्यादा, इंडस्ट्री में कितना हो रहा है, और सर्विस सेक्टर में इसको टाइम बहुत ज्यादा चाहिए इसके लिए, स्टडी करने के लिए, प्रोडक्शन के बारे में लंबा इशू है ये। परंतु हम मेन पॉइंट नेक्स्ट आता है आपका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के बारे में जो जानकारी है वो भी हमें इसी से प्राप्त होती है। फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के बारे में जानकारी हमें इसी से प्राप्त होती है कि आयात निर्यात सूचकांक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिम भी जिसको जो है वो लिखते हैं। बैठे हुए बच्चे गुड मॉर्निंग, मोगीनंद सिरमौर के इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड्स, कि हम विदेशों को कितनी वस्तुएं जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, और विदेशों से हम कितनी वस्तुएं जो है वो इंपोर्ट करते हैं, क्या उनके बीच बैलेंस बन पाता है या नहीं है। जैसे इसमें उदाहरण,
जो वस्तु हमारे यहाँ उत्पादित नहीं होती है, सपोज करो जिसका उत्पादन कम होता है, जैसे पेट्रोल या क्रूड ऑयल, कच्चा तेल भी जिसको बोलते हैं हम, क्रूड ऑयल या कच्चा तेल, जो हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है, फॉरेन कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज से, और जिसका लगभग 40% जो है वो हमारा ऐसा बाहर विदेशों को जो वो चला जाता है। कितना चला जाता है? 40%, 1 रुपए का 40% को हमारा तेल के ऊपर ही खर्च किया जाता है। इसलिए फ्यूचर में हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसका जो अल्टरनेटिव है, विकल्प अल्टरनेटिव, वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रही है, वो टाइम की क्या है, डिमांड है, समय की डिमांड है। विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड, वस्तुएं जो है वो चेंज हो रही हैं, और धीरे धीरे क्या आ जाएगा, सोलर सिस्टम आ जाएगा, सोलर से चलने वाली, जैसे गाड़ियों में ज्यादा कंजम्पशन होती है, तो सरकार इसका अल्टरनेटिव, अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने में टाइम लगेगा, हमें विस्तृत, तो ये सारा हमें सूचकांकों की सहायता से ही प्राप्त होता है। कितने बिलियन या ट्रिलियन डॉलर का व्यापार जो है वो आप प्लस टू में जाकर के पढ़ेंगे, कितने व्यापार जो वो किया जा रहा है अरबों खरबों रुपए का, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इससे हमें जो है वो प्राप्त होती है। देन सेवंथ आता है आपका नेक्स्ट, यूजफुल टू पॉलिटिशियंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, यूजफुल टू पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस राजनीतिज्ञों, के लिए लाभदायक, राजनीतिज्ञों के लिए लाभदायक, नीतिज्ञों के लिए लाभदायक, पॉलिटिशियन के लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है? आपको पता है, आपने किसी पॉलिटिशियन की स्पीच सुनी होगी, किसी पॉलिटिशियन की जनसभा में गए होंगे, और वहां पे आपने सुना होगा कि पॉलिटिशियन क्या कहता है कि मैंने इतने स्कूलों का निर्माण कर दिया, हमने इस साल में इतने स्कूल खोल दिए, इतने कॉलेज खोल दिए, अगर हम आप अपनी शिक्षा के बारे में आए, या चिकित्सा के क्षेत्र में इतने हॉस्पिटल खोल दिए, सारे आंकड़े जो है, एग्जांपल जो है, वो जितने भी उनके ब्यूरोक्रेट्स है, नौकरशाह है, वो बनाते हैं, और उन आंकड़ों को वो पढ़ते हैं, जनसभा को बताते हैं, इतनी सड़कों का निर्माण कर दिया, और अपने पास एक डेटा रखते हैं कि हमारी सरकार ने इन 5 सालों में ये काम जो है वो करा है, उसके आंकड़े एकत्रित करते हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तब स्थिति क्या थी शिक्षा की, आज स्थिति क्या है? इसी तरह हिमाचल है, जब फुल फ्लैश स्टेट बना 25 जनवरी 1971 को, तब शिक्षा का स्तर क्या था, और अगर हम आज की डेट को देखें, ये हो गया 25 जनवरी 2022 को, तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या था, क्या एजुकेशन की एक्सटेंशन हुई है, इन अदर वर्ड्स उसका विस्तार हुआ है, और उनमें पढ़ने वाले बच्चे, उनकी संख्या बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? कारण ये है कि स्कूलों का तो विस्तार हुआ है, पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो है वो रिड्यूस हो गई है। ये भी आंकड़ा पेश किया जाता है कि कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सॉरी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट के लिए कोई अलग से नहीं है, आप बैठे हुए, आप नीचे टाटपट्टी के ऊपर बैठे हुए हैं, जबकि आपके लिए भी ये डेस्क की सुविधा जो होनी चाहिए। क्या सरकार ने आपको डेस्क उपलब्ध करवाए हैं या नहीं करवाए हैं? ये सारी व्यवस्था आज के दौर में तो हर स्कूल में डेस्क जो है उपलब्ध करवाए, अगर हम स्कूलों का पढ़े तो। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के आंकड़े जो है वो राजनीतिज्ञों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये इंडेक्स नंबर की सहायता से राजनीतिज्ञ जो है या पॉलिटिशियन जो है वो आंकड़ों को अपने पास, उनका समावेश जो है वो रखते हैं। देन नेक्स्ट आता है यूजफुल टू गवर्नमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरकार के लिए, जो सरकार चल रही होती है, यूजफुल टू गवर्नमेंट, चाहे वो सरकार सेंटर की हो या फिर डिफरेंट स्टेट्स की हो, सेंटर की हो या स्टेट्स की हो, कोई भी सरकार है, जब उसने नीति निर्धारण कर ली है, सीधा इसमें आएंगे आप, पॉलिसी को फ्रेम करना है, डिफरेंट पॉलिसीज बनानी है, पॉलिसी को फ्रेम करना है,
या बनाना है। डिफरेंट पॉलिसीज सरकार के द्वारा जो बनाई जाती है, सरकार के हाथ में ही है पॉलिसी बनाने का काम, जो है ना आप बना सकते हैं ना मैं बना सकता हूँ। तो पॉलिसी जो है, जैसे मैंने मेन मॉनेटरी पॉलिसी क्या है हमारी, मौद्रिक नीति जिसे हिंदी में कहा जाता है, और फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का सीधा संबंध जो है वो सिंपल, आपको सिंपल मीनिंग पता होना चाहिए, मनी के साथ जिसका रिलेशन है। मॉनेटरी मींस मनी और फिस्कल मींस गवर्नमेंट, राज, कोष के साथ सीधा संबंध है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में जो है वो आपके लिए पहले ये इसका शाब्दिक अर्थ जो वो पता होना चाहिए। तो जितनी भी पॉलिसियां सरकार के द्वारा बनाई जाती है, टाइम टू टाइम वो सरकार के लिए ही लाभदायी होती है कि सरकार की मॉनिटरी क्या है, क्रेडिट कंट्रोल कैसे करना है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे करनी है, और फिस्कल उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, उसको कैसे जनरेट करना है, कहाँ पे खर्च करना है, पैसे का आपको फ्लो पता होना चाहिए, कहाँ से पैसा जो है वो आ रहा है और कहाँ को जा रहा है, ये मॉनिटरी का पार्ट है। सरकार कहाँ खर्च कर रही है, या डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे, नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज के, या फिर लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रही है और इनकम उनसे जो है वो जनरेट कर रही है, इस तरह से ये सरकार के लिए जो वो लाभदायी होता है। सरकार 5 साल की पॉलिसी भी बनाती है और अगले 15 सालों का जो विजन है वो भी तैयार करती है कि हमने अगले 15 साल में क्या करना है या 25 साल में जो है वो क्या करना है। तो ये है इसके लास्ट, और लास्ट इसी क्वेश्चन टॉपिक का जो लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं, सूचकांकों का हम प्रयोग तो करेंगे पर उनका ध्यान भी रखेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले बच्चों, आप लोग जब स्कूल आते हैं तो आपकी भी लिमिटेशंस है ना, लिमिटेशंस कि जैसे 10 बजे स्कूल आना है, 10 बजे से पहले ऐसा नहीं 7 बजे स्कूल पहुंच जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है ना। आप ठीक 10 के स्थान पे 9:30 बजे स्कूल पहुंचेंगे और 4 बजे छुट्टी होती है तो 4:30 बजे जो है ये 4 बजे जाएंगे और घर 4:30 जो है वो पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि घर रात को 7 बजे पहुंचे, या फिर समर क्लोजिंग स्कूल है तो वहां पे बच्चे जो है वो सुबह 8:30 पहुंच जाएंगे या 9 बजे ही पहुंचेंगे, और 3 बजे छुट्टी होगी तो 3:30 या 4 बजे तक घर जो है वो पहुंच जाएंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप 7 बजे घर पहुंचे तो आपके मम्मी पापा या आपके टीचर जो है वो परेशान हो जाएंगे। तो वैसे सूचकांकों की भी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के रहते इसे जो है वो हम इनका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। नंबर एक, नॉट कंप्लीटली ट्रू, पूर्णतः सत्य नहीं है, इसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं पूर्णतः सत्य नहीं है, नॉट ट्रू कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली ट्रू कि इनके द्वारा जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं वो 100% जो है वो सत्य नहीं होते, केवल अप्रोक्सीमेशन, लगभग, जैसे आप बोलते हैं ना मेरा दिमाग काम कर रहा है, सोच रहा है मैं ऐसे करूं तो ये रिजल्ट ऐसे आएगा, तो वैसा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली, लगभग। तो आंकड़े जो है वो 70-80% तक, इवन 90% तक, 10% इसमें एरर जो है, मतलब भूल चूक जो है वो रह जाती है, ये लिमिटेशंस इसकी पहली है। दूसरा आता है, इंटरनेशनल कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, सेकंड लिमिटेशन है इसकी, इंटरनेशनल कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, अंतरराष्ट्रीय इज नॉट पॉसिबल, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन करना जो है वो संभव नहीं है। जैसे इंडिया है, सपोज करो इंडिया का अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए या यूके या जर्मनी या फ्रांस, इकोनॉमिक पॉइंट इसको मैं लिख देता हूं, जैसे भारत का रुपी है, भारत का करेंसी जो है वो रूपी है और यहाँ की क्या है डॉलर है, तो इनका कंपैरिजन करना जो है वो मुश्किल है। डेवलपमेंट की रेशियो, दूसरा पॉइंट, डेवलपमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में डेवलपमेंट नहीं हुई है, यहाँ भी हुई है परंतु यहाँ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो हो गई है, यूके में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो हो गई। क्या हमने उस सिस्टम को फॉलो करा,
नहीं करा है, तो इसलिए इंटरनेशनल कंपैरिजन करना जो है इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस हेड। ये इसकी लिमिटेशंस है कि हम अपने कंट्री के आंकड़ों को देशों के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, एक इसकी बंदिश है। देन नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन टाइम्स, डिफरेंस समय में या समय का अंतर, सूचकांकों की सहायता से समय का अंतर करना जो है वह भी कठिन हो जाता है, क्योंकि समय के परिवर्तन से क्या होता है, समय के परिवर्तन से विद द चेंजिंग ऑफ टाइम मनुष्य के जो इंटरेस्ट है, जैसे आपका इंटरेस्ट अभी जलेबी खाने का है, कुल्फी खाने का है, या फैशंस या उसके टेस्ट, वो चेंज होते रहते हैं। गर्मियों में जैसे कुल्फी की डिमांड बढ़ जाएगी और सर्दियों में चाय या कॉफी की डिमांड, जो जैसे समर में क्या होगा, आइसक्रीम आप लोग भी खाते होंगे, और विंटर में क्या होगा, चाय कॉफी इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, चाय और कॉफी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए टाइम के आधार पे अगर हम टाइमली किसी वस्तुओं का उपभोग नहीं करते हैं तो क्या होगा कि फिर हम उस चीज से वंचित रह जाएंगे। जैसे अगला उदाहरण, इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको, आपका पढ़ने का समय एक्सपोज करो और आप उस पर्टिकुलर ईयर में एक साल में पढ़ाई नहीं करते हैं, बेकार बैठ करके गप्पे मारते हैं या इधर उधर देखते रहते हैं, तो उसका असर क्या होगा कि आप उस क्लास में पिछड़ जाएंगे और आंकड़े जो अगले साल स्कूल के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे उसमें क्या होगा कि इतने बच्चे नए प्लस वन में एडमिशन ली, सपोज करो 50 बच्चों ने, जिसमें से 40 जो है वो पास हुए फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन या अच्छे अंकों के साथ, और 10 बच्चे जो है उनको क्या कर दिया गया, स्टैग्नेंट हो गई, उनकी स्टैग्नेशन आ गई, वो पास नहीं हो पाए, वो ई ग्रेड से पास हुए, डी ग्रेड से पास हुए, और उनको इम्प्रूवमेंट का चांस अगले 6 मंथ में दिया गया। तो कहने का वो 10 बच्चे जो थे उन्होंने उस टाइम का जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज जो है नहीं करा। ठीक है, नेक्स्ट इसका आता है लिमिटेड यूज, लिमिटेड यूज सीमित प्रयोग, कहने का लिमिटेड यूज इसका जो है वो सीमित उपयोग, सूचकांकों का जो है जहां जरूरत है वहीं इनका उपयोग जो है वो किया जाना चाहिए, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं। सूचकांकों का प्रयोग जो है वो केवल इंडेक्स नंबर को ज्ञात करने के लिए ही किया जाता है, कुछ एक वस्तुओं, गुड्स एंड सर्विसेज से संबंधित सारी वस्तुओं को हम सूचकांक ज्ञात करने के लिए उपयोग जो है वो उनका नहीं कर सकते हैं। फिर आता है इसमें वेट कैसे दिया जाए, सूचकांकों को किस वस्तु को ज्यादा महत्व दिया जाए और किस को जो है वो ज्यादा महत्व ना दिया जाए, कौन सी वस्तु हमारे लिए जरूरी है, जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई करना जरूरी है, खाना जरूरी है, थोड़ा बहुत एंटरटेन करना भी जरूरी है, स्पोर्ट्स या म्यूजिक जो है उसमें भी इंटरेस्ट उनको लेने आना चाहिए, वो भी जरूरी है, पर आप अगर प्रेजेंट सिनेरियो में पढ़ाई ठीक करेंगे तो निश्चित तौर पे उनका फ्यूचर जो है वो भी अच्छा होगा। तो आपकी वेटेज क्या होगी, ये तो सूचकांक की वस्तुओं और सेवाओं के लिए है, आपकी वेटेज जो होगी वो पढ़ाई के ऊपर होगी, आपका जो भार होगा भारांकन, इसी प्रकार जो मेथड है भरित स्कू विधि है उसके अकॉर्डिंग उसको भी पढ़ेंगे अभी हम आगे, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और लैक ऑफ रिटेल प्राइसेस इंडेक्स, और लास्ट इसमें आता है इसका, हम सूचकांक तो पढ़ते हैं या उनको ज्ञात भी करते हैं परंतु थोक में, और जो रिटेल है उसमें हम इनका ज्ञान नहीं करते हैं, रिटेल प्राइसेस के ऊपर जो है वो इसको डिस्कस नहीं किया जाता है। तो ये थ्योरी का जो है वो क्वेश्चन बन जाता है कि सूचकांक क्या है आपके लिए, सूचकांक क्या है, ठीक है, इसके बाद इसकी विशेषताएं,
विशेषताएं कौन सी है और इसके लाभ या उपयोग और इसकी जो है सावधानियां, ये बिल्कुल ब्रीफ 12 लेक्चर का काम जो है वो एक घंटे में या दो घंटे में करना है। सावधानियां कौन कौन सी है और इसकी सीमाएं लास्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में थ्रेटिकली आता ही आता है। सूचकांक क्या है या उसकी विशेषताएं प्रकट करो, सूचकांक क्या है उसके लाभ या उपयोग प्रकट करो, या सूचकांक बनाते समय इसकी सावधानियां कौन कौन सी है उनका वर्णन करो, इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है और 5 मिनट की ब्रेक के बाद जो है वो नेक्स्ट इसके जो मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और सम जो है वो किए जाएंगे। लास्ट ईयर विधि क्या है, पाश्चे मेथड क्या है, फिशर्स क्या है, अगर बौले और कैलीज का मेथड है वो क्या है, डॉर्विश का क्या, इन सारे मेथड जो आपके सिलेबस में है उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 5 की मिनट।
तो अब नेक्स्ट सेशन में आपका फिर वेलकम है। इसमें हम सूचकांक फार्मूले की सहायता से कैसे निकालते हैं उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। methods of constructing index number, कौन कौन से methods हैं उनके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। टाइम अभी इसमें लग जाएगा घंटा डेढ़ घंटा जो है कम से कम। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर्स, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट है सिंपल, बिल्कुल आसान, और दूसरा है आपका वेटेड, आईएन मींस इंडेक्स नंबर्स, वेटेड इंडेक्स नंबर्स। इसको बोलते हैं भरित हिंदी में और इसको बोलते हैं साधारण या सरल। दो मेथड्स हैं इसके, नंबर एक सिंपल और नंबर दो भरित। फिर इन दोनों के आगे जाकर के जो है वो दो दो पार्ट्स हैं, नंबर एक सिंपल एग्रीगेटेड मेथड, सिंपल एग्रीगेटेड मेथड, सरल हिंदी में सरल समूहीकरण विधि, समूहीकरण ग्रुपिंग करना, समूहीकरण विधि। और सेकंड मेथड जो आता है वो आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ पीआर प्राइस रिलेटिव। ठीक है, ये है सरल औसत मूल्य अनुपात विधि, सरल औसत मूल्य अनुपात विधि। दैट मीन्स कि सिंपल में दो विधियां हैं, समूहीकरण और औसत मूल्य अनुपात विधि। इसी तरह वेटेड में भी दो है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे जुड़े वो पढ़ चुके होंगे इनको, पर फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। वेटेड एग्रीगेटेड मेथड्स एग्रीगेटिव मेथड, भरित समूहीकरण, भरित समूहीकरण विधि, और दूसरी है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, भरित औसत मूल्य अनुपात विधि, औसत मूल्य अनुपात विधि। कोशिश ये की जाएगी चारों विधियों से एक एक सम जो है वो किया जाएगा। कि सिंपल क्या है, सिंपल एवरेज क्या है, और प्लस। तो जैसे नंबर वन है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स, ये तो आपको पता ही चल गया है कि करंट ईयर कौन सा है और बेस ईयर जो है वो कौन सा है। ठीक है, अब सिंपल इंडेक्स नंबर को ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है P01 ये है, इसको डिनोमिनेशन ही इसकी ऐसी है, डिनोट ही ऐसे किया गया है P01।
और जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स है वो है P01 इज इक्वल टू, आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं इसको अगर रिवीजन, सिग्मा, सिग्मा मींस एडिशन, P1 बटा P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका जो है वो फॉर्मूला है किसका, ये नंबर वन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स। क्या फार्मूला लिखा आपने, P01 इक्वल टू सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 गुना 100। अब कोई एग्जांपल ले लो, आप कोई भी एग्जांपल ले लो दो वस्तुओं के बारे में, मान लो 2004 की कीमतें दी गई हैं और 10 की कीमतें दी गई, 2004 और 2012। 2004 में किसी वस्तु की कीमतें जो वो दी गई है, ये यहाँ आ गया आपका जी गुड्स, ठीक है वस्तुएं आ गई आपकी, और वस्तुओं में आ गया आपका ए बी सी डी और ई। अब उन्हें हमें नाम नहीं पता है, केवल पांच ही वस्तुएं हैं, ठीक है ये वस्तुएं आ गई, और ये जो आपके आगे ईयर, ये नीचे को जो है वो ईयर आ गए 2004 और 2012। मान लो ए वस्तु की कीमत 50 दी गई है यहाँ पे, बी वस्तु की कीमत जो है वो 40 दी गई है, सी वस्तु की कीमत 10 दी गई है, डी वस्तु की कीमत 5 दी गई है और ई वस्तु की कीमत भी 5 दी गई है। इसी तरह 2012 आप कोई भी ईयर चूज कर सकते हैं, आपको तो ये ईयर का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो भी ईयर दिया गया है हाउ वी कैन सॉल्व, ईयर 4 दिया गया, 9 दिया गया, 12 दिया गया, 18 दिया गया है। 2012 में ए वस्तु की कीमत 80 है, बी वस्तु की कीमत जो है वो 60 है, सी वस्तु की कीमत जो है वो 20 है, और डी वस्तु की कीमत जो है वो 10 है, और ई वस्तु की कीमत जो है वो 6 है। अगर ये दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सिंपल जो एग्रीगेटिव मेथड है उसकी सहायता से इस सम को या न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व करो, तो कैसे करेंगे, ये पेपर में दिया गया, सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका 12 या 13, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपने एक टेबल जो है वो इंसर्ट करना है, तालिका जो है वो बनानी है, ठीक है, तालिका में कम से कम 3 या 4 कॉलम जो वो होने चाहिए आपके, ऐसे ठीक है बिल्कुल, और तालिका जब बना दी तो उसमें आप लिखेंगे, यहाँ पे आप सीधा जी लिख सकते हैं, कोई ये नहीं आपके नंबर कटेंगे कि आपने जरूरी गुड्स ही लिखना है, जी भी लिख दिया, वस्तुएं लिख दिया, और यहाँ पे लिखेंगे आप 2004 की कीमत है, ब्रैकेट में लिखेंगे आप प्राइसेस, और 2004 की प्राइसेस लिखी है तो उसको जो सिंबलाइज करेंगे या उसका जो प्रतीक है वो P0, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं, अगर आपको लग रहा है आपके मन में कंफ्यूजन है तो यही लिख लो P0 और यहाँ पे भी P1, तब आपको सॉल्व करने के लिए जो वो और इजी हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो है 2012 की जो प्राइस है या कीमत है जो भी, उसको करेंगे P1 से, किससे करेंगे P1 से, तो ये आपका हेडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ज्यादा ही इसको मॉडिफाई, तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, जो भी आप ऐड कर सकते हैं, टेबल टेबल बन जाता है और बस जैसे 1 2 3 4 5 पांच वस्तुएं थी, ए यहां पे जब हमने सीरियल नंबर डाल दिया तो सीरियल एक दो तीन चार और ये पांच। इसी तरह वस्तुओं के नाम, अब यहाँ पे गेहूं चावल आटा चीनी वगैरह नहीं दिया गया है,
यहां पे दिया गया ए बी सी डी और ये ई। ए इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर में कर देता हूं, बी सी डी और ये ई। ये आ गई आपकी ई और इनकी कीमतें जो ऊपर हमें दी गई है सब में 50, 40, 10, 5 और यहां पे भी 5। ये हो गया हमारा 50, 40, 10, 5, 5। आपने चेक कर लेना है क्योंकि तीन नंबर का है ये जो न्यूमेरिकल है वो आपका तीन का आता है, चार का भी आ सकता है, पांच का भी आ सकता है, कई बार छह का पांच छह का भी जो है वो डमी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह पी वन 80, 60, 20, 10 और 6, 80, 60, 20, 10 और ये 6। अब हम क्या करेंगे इनका, यहां पे है सिग्मा पी जीरो क्योंकि हमने पी बेस लिया गया है और यहां पे लिया गया है पी वन करंट, बेस का टोटल लिखेंगे हम। तो जैसे ही है 50, 40, 10 और फिर 10, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे लेफ्ट और राइट साइड भी कर सकते हैं, 50, 40, 90, 10, 100 और 10, 110 डायरेक्ट कर दिया मैंने अब इसको। इसी तरह यहां पे है 140, 160, 170 और 6, 176, 176 ये टोटल आया। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, 110 यहां पे ले लिया और यहां पे 176। ठीक है, आंकड़ा कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपकी किताब में ये हो सकता है यहाँ पे कुछ ज्यादा दिया हो कम दिया हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारे पास फिगर दी गई है उसके ऊपर ही हमने जो है वो ध्यान देना है। 90, 100, 5, 5, 110, 80, 140, 160, 170 और 6, 176। नाउ वी कैन अप्लाई द फार्मूला P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाई 100। ये है इसका फॉर्मूला। तो दैट मीन्स 176 P1 ये है डिवाइडेड बाई 110 गुना 100। तो आप इसको जो है वो ये कर सकते हैं, क्रॉस यहां से यहां कर दिया और ये आया 1760 बटे 11। तो 11 से आप 17 को 60 को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा 11 से 17 को भाग करा 11 एकम 11 और फिर बच गए 6, सीधे बन गए 66, 11 छीके 66 और फिर आगे 0 है तो 0, 160 जो है वो आपका सूचकांक जो वो आ गया 160। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे therefore P01 is equal to 160 आपका आंसर। ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर हम यहां पे चेंज कर देंगे, सपोज करो यही आंकड़े रहने देते हैं बलविंदर, जो आपके न्यूमेरिकल दिया गया है अब दूसरा अगर हम यहां पे ये चेंज कर देते हैं ये वाला और अब आपकी किताब में दिया गया है ये दो टू तो 2 में जो आएगा आपका टोटल फिर इसमें चेंज हो जाएगा 50, 40, 90, 10, 107 उसको भी वेरीफाई कर देते हैं। अधिकतर आप लोग टीआर जैन की किताब से पढ़ते हैं तो क्या होगा फिर ये फार्मूला तो वही रहेगा पर इसकी जो संख्या है वो चेंज हो जाएगी और
अब आंसर हमारा जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि 176 बटा 107 गुना 100, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 176, तो ये आया आपका 17600 डिवाइडेड बाई 107, तो ये आप इसको भाग करके जो वो निकाल सकते हैं और ये जो आंसर आया आपका 164.49। तो ये यहां पे देखो दो लेने से कितना फर्क पड़ गया, जबकि पहले जो है वो 5 लिया था, इसको वेरीफाई भी कर दिया गया। बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए, बच्चे जुड़े हुए हैं तो उसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये विधि पहली बिल्कुल आसान विधि है, ये इसमें कोई ज्यादा जिसको बोलते हैं मुश्किल नहीं। देन नेक्स्ट, अब हम दूसरी विधि जो है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स, इसी का बी पार्ट, उसको भी सारी विधियां कर लेंगे आप। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, सरल औसत मूल्य अनुपात विधि, सरल औसत मूल्य अनुपात विधि, सरल औसत मूल्य अनुपात विधि। तो इसका क्या फार्मूला है सरल औसत मूल्य अनुपात विधि का, तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, P01 = सिग्मा विद इन ब्रैकेट P1/P0 गुना 100 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स n। देखो अब क्या चेंज आ गया इसमें, दूसरा जो था पिछली वाली सिंपल विधि में वो ये फार्मूला ही बाहर था, अब क्या हुआ इसको ब्रैकेट में कर दिया, सिग्मा और टोटल नंबर जो आइटम्स थी उनको जो है वो ऐड कर दिया गया। अब आइटम्स कौन कौन सी है, सपोज करो फॉर एग्जांपल आपके लिए कोई सम दिया गया है कि 2 साल का कोई आंकड़ा है, 2009 और 2017, 2 सालों का जो अब आंकड़ा दिया गया है, और 2009 में क्या दिया गया है, गेहूं क्या थी, इसको करना बिल्कुल ऊपर करना, बस ये सब आपकी उससे दिया गया है कि कैसे आपने निकालना है पेपर में। गेहूं दी गई है, गेहूं की सीधा ही हम इसमें ना सम के ऊपर ही आते हैं, वेस्ट करना इनका जब जुड़े हुए हैं तो, है ना। गुड्स जी, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं वस्तु, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आता है आपका आधार, बेस ईयर आपको पता चल गया सीधा पी जी, ठीक है, और करंट ईयर भी पता चल गया P1। और नेक्स्ट आपको आता है कि इसका जो मूल्य अनुपात है वो क्या है, मूल्य अनुपात, फिर उसका जो एडिशन होगा दैट इज नोन एज द सिग्मा। अब गुड्स है आपकी गेहूं, जिसको अंग्रेजी में व्हीट बोलते हैं, उसके बाद दूसरी वस्तु है आपकी घी, दूध, तीसरी आ गई, चौथी वस्तु है आपकी चावल और पांचवी है चीनी, चावल एंड चीनी, 1, 2, 3, 4 और ये 5 वस्तुएं जो है वो हो गई।
ठीक है। अब गेहूं की जो बेस है जो हमने वहां पे 9 और 2017 कोई भी ईयर जो वो आप ईयर में कंफ्यूजन नहीं होना, कम से कम 9-10 साल का गैप जो इसमें होना चाहिए, कई बार 4-5 साल का गैप जो वो ही होता है। P0 जो दिया गया है वो यहाँ पे क्या है, 100 रुपया प्रति क्विंटल है, ये ध्यान रखना है ये थोड़ा सा। और घी जो है वो 8 रुपए प्रति केजी दिया गया है ये, ठीक है। और दूध जो है वो 2 रुपए प्रति लीटर जो है वो दिया गया है, प्रति लीटर ध्यान रखना है, आपने लिखने में गलती नहीं करती है कहाँ पे लीटर है कहाँ पे। चावल दिए गए हैं, चावल जो दिए गए वो 200 रुपए प्रति क्विंटल प्रति क्विंटल। और चीनी जो दी गई है, बड़ी सस्ती चीनी दी गई है, 1 रुपया प्रति किलो। जब आज का रेट करें स्टडी तो मार्केट में जो है वो चीनी बहुत महंगी है, 50 रुपए किलो जो है वो दी गई है पर केजी। इसी तरह इसकी कीमतें जो है वो 17 में क्या हो जाती है, यहाँ दुगनी हो जाती है, 100 से सीधी ही 200 रुपया हो जाती है, डबल हो गई। और घी जो है वो 5 गुना बढ़ गया, 40 रुपया हो गया प्रति केजी। देखो 8 रुपए से सीधा जो है वो 40 में चला गया। और दूध जो है वो 2 से सीधा ही 16 रुपए प्रति लीटर जो है वो हो गया। इसका कंपैरिजन भी करने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सम आपने कर लिए तो हो गया। देन चावल जो है वो आपके सीधे ही 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। और चीनी जो है वो आपकी 6 रुपया प्रति केजी जो है वो हो गई, 6 रुपीज। तो इसका जो हमारा जिसको बोलते हैं मूल्य अनुपात, उसका फार्मूला है P1 / P0 × 100। ये निकालना है अब हमने। इसमें हमारे लिए एक एक्स्ट्रा काम जो है वो ये पड़ गया कि इन दोनों को जो है पहले डिवाइड करके फिर उसको मल्टीप्लाई बाई जो है वो 100 करना है। जैसे ये क्विंटल है 200 / 100 × 100, तो कितना आया ये 200। 100 से 100 चले गए और सीधा ही 200। देखो बिल्कुल आसान हो गया। इसी तरह दूसरा 40 है तो 40 / 8 × 100, तो 8 × 5 = 40 और ये आ गया आपका सीधा ही 500 इसका जो है। देन नेक्स्ट तीसरा आया आपका 16 / 2 × 100, 16 को डिवाइड करा 2 से 8 और 8 × 100 800 हो गया। इसी तरह ये 800 P1 है, P1 / P0 800 / 200 × 100। तो ये चाहे डिवीजन यहाँ कर दो 4 × 100 = 400। देन लास्ट 6/1 × 100, ये सीधा ही 6 × 100 600 और डिवाइडेड बाई 1, तो ये 600 जो है वो आ गया। अब हमने निकालना क्या है, फार्मूला क्या दिया गया है कि इसका सिग्मा नंबर तो मैंने निकाल लिया है, ये N = 5, ये भी लिखना है यहाँ पे, ये 5 तो लिख दिया है। नंबर आइटम जो है वो हमारी कितनी है, वो 5 है। अब क्या करना है, हमने इसका जो है वो टोटल निकालना है। टोटल निकालेंगे हम सिग्मा पी विदिन ब्रैकेट P1 / P0 × 100। तो ये आया हमारा यहाँ बराबर है, ये लिख देंगे यहाँ पे आ गया हमारा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, ये 200 है मेरा ख्याल लिखा, वो 2 ही दिख रहे हैं हमें। 5 × 7 बिल्कुल आराम से करना आपने, आप डायरेक्ट भी मेथड आप प्लस वन के स्टूडेंट है जैसे, 5 × 7 = 8 = 15 = 15 × 4 = 19 और 6 = 25 ऐसे आराम से 2500 भी बोल सकते हैं, 2500 जो है वह भी बोल सकते हैं। अब हमने इसमें इंडेक्स नंबर निकालना है P01 = σ(P1/P0) × 100 (N). दैट मीन्स 2500 / 5, तो अगर आप ऐसे भी करेंगे 5 × 5 = 25 और ये सीधा ही आगे कितना आया E01 = 500 जो है वो आपका ये आ गया।
नेक्स्ट, तो ये इसका सेकंड टाइप का जो है वो एग्जांपल आपका हो गया। अब चलते हैं थर्ड टाइप के एग्जांपल को, भरित। भरित को वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे भरित औसत मूल्य अनुपात विधि, भरित औसत मूल्य अनुपात विधि, ऊपर लिखा नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है, अनुपात विधि। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, P1 इज इक्वल टू सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, आर मीन्स ये और वेट मीन्स ये वेट और ये जो है वो, क्लियर हो गया, वेट कहां पे दिया जा रहा है और रिलेटिव इसका जो है अनुपात जो है वो कहां पे दिया जा रहा है। तो इसका भी एक सम ले सकते हैं। फिर जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसमें से सम आपको आना ही आना है, वो भी इसको जो है वो किया जाएगा। मुख्यनी दो वस्तुओं की जो है वो हम तुलना कर सकते हैं, गुड्स जैसे वस्तुएं ले सकते हैं, गेहूं चावल चीनी दूध वगैरह वही ले लो, या जो पीछे ले रखी थी उन्हीं को जो है वो दिया जा सकता है। और गुड्स के बाद जो है वो उनको जो है वो क्या किया जाएगा, भार, वेट, वेट। और तीसरी बात जो है वो पी जीरो, और चौथी बात जो है पी वन, और पांचवी जो है वो आपने निकालनी है या छठी। वस्तुओं में दी गई है गेहूं, गेहूं को मैं भीट लिखूंगा, ठीक है, W, उसके बाद चावल, राइस, तीसरा जो है आपका राइस के बाद दिया गया है दूध, चौथा जो है वो आपका घी, और पांचवा जो आपका वो चीनी या जिसको आप शुगर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, शुगर। भार कितना दिया गया है, चीनी को कितना भार दिया गया है, 40, जो हमारे पास दिया गया है सम में, और दूध को दिया गया है 15, घी को दिया गया है 10, और चीनी को दिया गया है 5। तो पहला काम हमारा क्या है कि ये W दिया गया है, वेट, तो वेट का हम सापा भी सिग्मा W जो वो निकाल लेंगे ताकि हमें जो है वो काम आएगा। सिग्मा W कितना हुआ, ये 40, 30, 70 और 30, 100। इसी तरह इसकी कीमतें ये दी गई है, इसमें हमने कुछ नहीं करना, जो हमें दे दी गई है उन्हीं को हमने जो है वो लिखना है। P0 ₹100 प्रति क्विंटल है, ठीक है, ₹100 प्रति क्विंटल है, और दूसरा जो चावल है वो ₹200 प्रति क्विंटल है, आपका जो दूध है वो ₹2 है, ये यहाँ पे 8 दिया गया है,
और चीनी जो है वो 1 रुपया दो। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट जो है आपका 2000 जो भी ईयर हमने लिया था उसमें करंट ईयर या चालू वर्ष बोलते हैं उसमें 200 रुपया चावल जो है वो आपके 800 रुपया, दूध जो है वो आपका 16 रुपये, घी जो है वो 40 और चीनी जो है वो आपकी 6 रुपया। ये पी बन। अब हमने फॉर्मूले में कैसे निकालना है, ये आर कैसे निकालना है, आर ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये वाली पेन ना आर इज इक्वल टू पी वन बटा पी जीरो गुणा 100। नीचे ऐसा कर रहे नेक्स्ट पी वन बटा पी जीरो तो 1/1 जैसे हमने ये तो पीछे स्टेप जो है वो सॉल्व ही कर लिया है, इसमें दोबारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर करना भी तो E1 है 200, E0 है 100 गुणा 100, तो पहला जो है वो आपका 200 आ गया सीधा ही स्टेप सॉल्व करके। दूसरा P1 800 बटे हुआ 200 गुणा 100, तो ये आपको पता ही है 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और अगर वैसे भी करें हम तो ये 4 आ गया 4 और 400 आ गया सीधा। क्लियर हो गया ना, 400 लग करके लिख देता हूँ, वैसे ये लिख नहीं रहे इसमें। इसी तरह तीसरा 16 बटे हुए 2 गुणा 100, तो 2 और 2 से 16 को डिवाइड हो जाएंगे और 8 दूने 16 ये 8 आ गया और 8 गुना 100 800 हो गया। क्लियर हो गया। इसी तरह अगला 40 बटे 8 गुना 100, तो ये 40 डिवाइड हो जाते हैं और ये आ गया आपका 500, और लास्ट जो आता है वो 6/1 × 100 इज इक्वल टू 600। इसका जो है अगर हमें टोटल चाहिए नहीं चाहिए तो नेक्स्ट जो है आर को ये W, तभी हमें सिग्मा आर W चाहिए। R को किससे गुणा करेंगे, W से मल्टीप्लाई करेंगे। W ये है आपका सीधा यहां जाने चाहिए और R ये 40 गुना 200 30 गुना 400 15, ये ध्यान रखना कई बार हम जल्दी जल्दी में गलती कर जाते हैं, 15 गुना 800 वो नहीं होना चाहिए, पहले इनको लिख लो 10 गुना 500, ताकि जब आप इसको गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कोई गलती है तो उसको सुधारा जा सकता है। 5 गुना 600, तो अब इनको गुना करनी आनी चाहिए आपको, आप शॉर्टकट मेथड भी जो है वो अपना सकते हैं। चार दूने 8 और 1 2 3 0, दैट मीन्स कितना हो गया ये 8000, और यहां पे 4 3 12 और 3 0 12000, यहां पे 15 का 8 का टेबल आना चाहिए, 15 × 8 120 और 2 0 नेक्स्ट है 10 गुना
पांच गुना 600 3000, तो इसका जो है वो कितना आ गया टोटल, ये 4000। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनको जमा करने का जो तरीका है उससे भी कर सकते हैं। 12 और 12 24, 8 32, 32 और 8 40, ये डायरेक्ट मेथड है इसका। और क्या चीज आई है, सिग्मा आर डब्ल्यू, क्या आई है, सिग्मा आर डब्ल्यू, वही चाहिए हमें फार्मूले में, एक तो सिग्मा डब्ल्यू चाहिए और दूसरा सिग्मा आर डब्ल्यू चाहिए। तो नाउ वी कैन अप्लाई द फार्मूला। सिग्मा आर डब्ल्यू, सिग्मा आर डब्ल्यू बटा हुआ सिग्मा डब्ल्यू, यही पे हो जाएगा ये सॉल्व, इज इक्वल टू सिग्मा आर डब्ल्यू आया आपका 40000 और सिग्मा डब्ल्यू जो आपका आया हो 100 या 100, कितनी जीरो है ये, इक्वल टू एक दो, तो एक दो जीरो काट दो और आपका बच गया ये 400, तो 400 क्या आ गया आपका, ये उत्तर आ गया इस विधि से। ये कौन सी विधि थी, तीसरी विधि थी, थर्ड मेथड, जो भरित सूचकांक, भरित औसत मूल्य अनुपात विधि। अब हम चौथी विधि और लास्ट विधि को पढ़ेंगे सूचकांक ज्ञात करने के लिए, जो बहुत लंबी विधि है, उसमें तीन मेथड जो अप्लाई किए जाते हैं। अच्छा है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, भरित समूहीकरण विधि, भरित समूहीकरण विधि, भरित समूहीकरण विधि। इसमें तीन मेथड है, नंबर एक लास्पियर की विधि, LASPEYRES लास्पियर्स मेथड, लास्पियर हिंदी में मिल देता हूं, लास्पियर विधि। देन सेकेंड है पाश्चे, पाश्चे की विधि, PAESCHE पाश्चे मेथड, पाश्चे की विधि, पाश्चे की विधि। और तीसरा मेथड है आपका फिशर्स विधि, कौन सी है, फिशर्स, फिशर्स आइडियल इंडेक्स, फिशर्स FISHER, फिशर्स मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं फिशर की विधि या फिशर विधि, फिशर विधि। अब लास्पियर मेथड को कैसे लिखेंगे, वही है इसका P01 है लिखने का जो फार्मूला है, तो
तो पी जीरो वन इज इक्वल टू सिग्मा पी वन क्यू जीरो क्यू बेस भी बोल सकते हैं इसको क्यू जीरो बटा हुआ सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड। इसमें क्या है लास्पियर विधि में जो पहली विधि है केवल एक मद जो है प्राइस जो है एक साल की उसको करंट लिया गया है और बाकी तीन मदों को जो है वो बेस ईयर लिया गया है। ठीक है ना, क्या है कि पी जो है एक चालू वर्ष की है और बाकी सारी पी क्यू जीरो सारी जो है वो उसमें क्या है बेस ईयर की जो वो लिया गया है और मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड। अर्थात कहने का ये है कि कीमतें भी दो दी गई होगी और जो उसकी मांगी गई मात्रा है क्वांटिटी वो भी ड्यूल दी गई होगी डबल दी गई होगी। देन पाश्चे विधि में क्या कहा गया है, पाश्चे जो है पी जीरो वन या प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा पी जीरो पी वन क्यू वन बटा हुआ सिग्मा पी जीरो क्यू वन। इसमें क्या है कि सिर्फ प्राइस तीन मदों की जो है वो करंट में दी गई है और एक प्राइस जो है जैसे नीचे वाली संख्या या जिसको अंश और हर भी बोलते हैं उसकी जो है वो बेस दी गई है। दूसरे वाले का उस वाले में क्या है कि तीन जो बेस दिए गए थे यहाँ पे तीन जो है आइटम जिनका मान दिया गया है। ये हो गया क्लियर। देन फिशर्स विधि, फिशर्स क्या है, फिशर्स इन दोनों विधियों का ही मिश्रण है। फिशर्स मेथड क्या है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स, फिशर्स को शॉर्टकट भी लिखते हैं फिशर्स मेथड इज इक्वल टू एल इंटू पी, एल इंटू पी अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड। ये याद रखने का इसका बड़ा आसान फार्मूला है कि इसको कैसे याद जो है वो रखा जाए। तो याद रखने का ये कि पहली विधि का अगर फार्मूला आपको पता है तो पहली गुना दूसरी और उसका अंडर रूट जो निकाल दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो जो है वो हंड्रेड से। तो हम इन तीनों को जो है वो वन बाई वन जो है वो स्टडी करेंगे, लास्पियर विधि क्या है, पाश्चे क्या है और फिशर जो है वो क्या है। कोई एकाध सम जो है वो इसमें ले सकते हैं कि फिशर को ही क्यों आइडियल इंडेक्स जो है वो कहा गया है। कोई आंकड़े दिए गए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, क्या दिए गए हैं, जैसे आइटम दी गई है, मदें दी गई, आइटम कॉलम, इसी तरह कॉलम हम बना लेंगे। सेकंड में दी गई है आधार वर्ष, बेस ईयर, ठीक है, उसमें भी क्या है पी जीरो और क्यू जीरो, और दूसरा जो है हमारा करंट ईयर चालू वर्ष, उसमें भी पी वन और क्यू वन, ये जो है अर्थात इसमें फोर टाइप्स की जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी, तब हम इस सब को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नंबर एक आइटम कौन कौन सी दी गई है,
ए बी सी डी और ये कितनी मदें दी गई है? 5। और कीमत P0 मीन्स कीमत और Q0 मीन्स क्वांटिटी। आधार वर्ष इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं आधार, और यहां पे है ये चल। तो आधार में इसकी प्राइसेस क्या दी गई है? जैसे 10, 35, 30, 10, 35, 30, 10, 35, 30, 10, और लास्ट ई आइटम की जो वैल्यू है वो 40। इसी तरह क्यू जीरो क्वांटिटी क्या दी गई है आधार वर्ष में? 10, 5, 20 और लास्ट ई आइटम की जो दी गई है वो 2 दी गई है। 2 ये हमें सम में दिया गया है, जो हमें न्यूमेरिकल दिया गया है उसी में ये मद जो है वो दी गई है। अब चालू वर्ष की 20, 40, फिर 20, फिर 8, ये बी वन है, 20, 40, 20, 8 और उसके बाद फिर जो है वो 40 दी गई। अब क्वांटिटी करंट ईयर में क्या दी गई है? करंट ईयर में क्वांटिटी दी गई है 25, 25 के बाद है आपकी 10, 15 और 20 और 5। तो ये पूरा सम भी कई बार 6 नंबर का आ जाता है, ये ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो रेगुलर सम तो आता ही है, फीचर्स आइडियल इंडेक्स। तो अब इस सम को कैसे करेंगे? जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या चीजें हैं? जैसे नंबर 1 P0 Q0, नंबर 2 बड़ी लंबी इसमें जो है वो कैलकुलेशन है P0 Q1 मतलब एक बेस लेंगे और एक जो है वो करंट लेंगे। तीसरे में इसका उल्टा क्या करेंगे कि P जो है वो करंट ले लेंगे और Q जो है वो बेस। प्राइस करंट ले ली तो क्वांटिटी हमने क्या ली है? बेस। और लास्ट जो है उसमें दोनों ही करंट ले लिए क्योंकि बेस हमने फर्स्ट कॉलम में जो है वो ले रखी। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। P0 Q0 शॉर्टकट याद रखने का फार्मूला है P0 Q1 और P1 Q0। भूलना नहीं है, ये दिमाग में जो है वो बिठा करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और जब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है तो यहां से बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में लिखा है P0 × Q0, दैट मीन्स दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, 10 × 10 100, 35 × 3 अगर नहीं डायरेक्ट आती है तो 5 × 3 = 15 और 3 × 9 = 10 कितना आया ये? 105। आगे 105 इसी तरह 30 × 5 1500 5 × 0 5 × 15। फिर अगला है 20 × 10 10 का टेबल तो आता ही होगा या 20 का, तो 0 0 दो बार 0 और 2, 20 × 10 मीन्स 200। क्लियर हो गया? देन ई आइटम 40 × 2 40 × 80 डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस 1 के स्टूडेंट है, कोई मुश्किल जो है वो नहीं है। अब सेकंड स्टेप में बस यहाँ है, नजर हमारी इतनी शार्प होनी चाहिए कि हम गलती ना करें। प्राइस जो है वो बेस ईयर की लेनी है और क्वांटिटी जो है वो करंट, मतलब ये दिस मल्टीप्लाई बाई दिस
10 गुना 25, मतलब पहले कॉलम को 4 नंबर वाले कॉलम से गुना करनी है। तो शॉर्टकट दिस मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल टू दिस 250, 10 गुना 25। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और 25 गुना 10 जो 250 गुना करेंगे हम तो 0 0 और 25 एकम 25। इसी तरह सेकंड 35 गुना 10, तो वही आ गया 0 0, 1 से गुना करेंगे वही 35 350। क्लियर हो गया ये सेकंड? कोई डाउट्स? नो। देन थर्ड 30 गुना 15, है ना? रफ वर्क आप कर सकते हैं यहाँ पे भी साइड्स में, जैसे अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो 30 को 15 से 15 0 0 15 का टेबल आता है तो 45 450। कहाँ से करा? यहाँ से। ये ध्यान रखना क्या पूछा गया है, 15 गुना 30, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारा ही जो है सम आपका गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट 10 गुना 20, या तो पेन रख लो, स्केल रख लो, या अपनी फिंगर रख लो टेबल के ऊपर, जो भी आंसर शीट है या नोटबुक है। 20 गुना 10 200। देन नेक्स्ट 40 गुना 5, 5 का टेबल तो आता है, 5 के 20, तो ये भी आया आपका। तो कितने हमारे कॉलम कंप्लीट हो गए? 2। कितने हुए? 2। 2 में पहला दोनों बेस था, प्राइस भी और क्वांटिटी। दूसरे में क्या था? प्राइस बेस थी और क्वांटिटी करंट थी। अब तीसरे को जब हम गुना करेंगे, देखो बड़ा आसान मेथड है ये, पहला फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम गिन लेते हैं, 1 2 3 4, शॉर्टकट याद रखने का। पहला करा 1 को 2 से गुना, फिर क्या करा दूसरे में, 1 को 4 से कर दिया। अब तीसरे वाले में क्या करेंगे? 2 को 3 से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ Q0 है, यहाँ Q0 पूछा है, और यहाँ पे क्या है, P1 है, यहाँ P1 जो है वो पूछा है, इसमें यही पूछा है ना। तो अब इसको गुना करेंगे हम P1, 10 गुना 20 200। इसमें टाइम लगता है, कम से कम आपके शार्प बच्चे जो होंगे उनको कम से कम 15 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट इस सबको सॉल्व करने के, और जो थोड़े से मिडल होंगे मीडियम पर वो आधा घंटा भी लगेगा, और 6 नंबर जो है वो आपके मिस हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना इसमें गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। 10 गुना 20 200, 40 गुना 3 120, 40 3 4 3 12, शॉर्टकट याद रखने का तरीका। देन नेक्स्ट 5 गुना 2 5 10, तो 20 5 100, दोनों तरीकों से क्रॉस चेक भी आप जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह 20 गुना 8 160, और 40 गुना 2 80, हो गया तीसरा भी ये कंप्लीट। अब चौथा जो है वो एंड लास्ट जिसको बोलते हैं, अभी अभी तो इसमें बड़ा जिसको बोलते काम है, आसान नहीं है ये, थोड़ा मुश्किल भी है, पर हमने इसको आसान बनाना है। कॉलम नंबर 3 और 4, 3 में लिखा हमने प्राइस ऑफ करंट ईयर्स और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, मतलब चालू वर्ष की कीमतें और चालू वर्ष की जो है वो मात्राएं, दो मदद दी हुई है। तो कीमत 20 है और मात्रा जो है वो 25 है, 20 गुना 25, 20 गुना 25, दोनों तरीकों से 25 0 0 और 25 50, तो कितना आ गया ये 500, कितना आया ये 500। इसी तरह दूसरा 40 गुना 10, 40 गुना 10 कितना आया उसको सेम वे, 40 गुना 10 0 0 4 एकम 4 400। देन नेक्स्ट 20 गुना 15, तो 0 और 15 में 300, हो गया क्लियर। फिर चौथी आइटम जो है आपकी डी, 8 गुना 20, 8 गुना 16, ये भी जो है वो 160 जो है वो आ गई। और लास्ट आइटम ई आइटम जो है वो आपकी आई 40 गुना 5, तो वो आ गया आपका 200, हो गया। फिर भी इसका आप टोटल चेक कर सकते हैं एक बार, क्या हमारी गुना जो है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अगर कोई आपको लग रहा है कि कहीं पे गलती है
गलती तो नहीं हो गई है, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक जिसको बोलते हैं नजर में ही 10, 100, 80 × 3, 105, 30 × 5, 150, 20 × 10, 200, 40 × 2, 80। इसी तरह दूसरी आइटम P0, 54, 20 × 10, 80 × P0, 54, 50, 350, 30 × 15, 450, 20 × 10, 200 और 40 × 5, 200। P1 प्राइस को फ्रंट लेना है और क्वांटिटी को बेस, 200, 120, 100, 160 और 80। और नेक्स्ट एंड लास्ट दोनों करंट है P × Q1, 20 × 25, 500, 40 × 10, 420 × 15, 300, 20 × 8, 160 और 40 × 5, 200। ये अब इसके बाद क्या बड़ा इंपॉर्टेंट काम रहा है कि इनका टोटल भी करना है। यही पे टोटल करेंगे, इसी शीट पे कितना टोटल जो है वो आता है इनका। तो पहली आइटम इनको आप लाइन लगा देंगे, पहली आइटम जो है वो आपकी क्या है, सिग्मा P0 Q0। कितना आया पहला, ये आपने टोटल करना है इन सभी पांचों मदों का, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, बराबर है, बराबर है, लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये। 205, 305, 355, 555 और 80 जमा कर दो इसमें, तो 555 जमा 80 आप रफ में भी याद कर सकते हैं, 555 जमा 80 तो ये बन गया आपका 635। कितना हुआ ये, 635 हुआ ये। पहली बात इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, 635 आया इसका टोटल, कितना आया, 635। सेम वे हम अगले का जो है वो भी टोटल करेंगे, सिग्मा P0 Q1। यहाँ पहले इसको लिखेंगे, निकालना क्या हमें, सिग्मा P0 Q1। अगर जगह कम पड़ रही है, मान लो कॉलम आपने छोटा, तो यहाँ नीचे जो है वो लिख सकते हैं। अब ये टोटल करना कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, जैसे 0000 यहाँ पे आ गया, देखो उसके बाद यहाँ 5, 5, 10, 5, 15, 15 × 5, 1, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10 और 10 और 4, 14। तो कितना आ गया ये, 1450। ये सेकंड वाला कॉलम जो है क्या आया इसमें, 1450 क्या है ये, सिग्मा P0 Q1, अर्थात प्राइस जो है वो बेस है और क्वांटिटी जो है वो करंट है। देन नेक्स्ट थर्ड, जिसमें प्राइस जो है वो करंट है और क्वांटिटी जो है वो क्या है, बेस है, तो उसका लिखेंगे पहले यहाँ पे सिग्मा P1 Q0। दूसरे का उलट है फार्मूला, याद रखने का बड़ा तरीका है, पहला चौथे का उलट है, चौथा पहले का उलट है, दूसरा तीसरे का उलट है और तीसरा दूसरे का उलट है, बस बिल्कुल सिंपल है ये। ऐसे बच्चे लोग जो है 6 नंबर खराब कर देते हैं, जबकि ये 6 नंबर का सम है। 0 0 कर लो इनको या डायरेक्ट कर लो, 0 0 0 हो गई, 2, 6, 8 और 8, 16। मसला है 1, 2 और 1, 3, 3 1, 4, 4 1, 5, 5 1, 6। कितने आए, 660। कितने हो गई है, 660। और लास्ट आइटम जो बचती है आपकी P1 Q1। यहां पे पहले लिखेंगे आप सिग्मा P1 Q1, क्लियर हो गया, फिर इनका टोटल जो आप करेंगे। अब वही जमा करने का आपको आती है, जमा करने एडिशन, 0 0 फिर अगला 0 0 0 फिर इसमें 6 और नेक्स्ट है आपका 5, 4, 9, 3, 12, 12, 13, 13, 2, 15। 1560 कितने आई है, 1560। तो ये इसका टोटल जो है वो आ गया।
अब हम करेंगे इसको जो हमने ज्ञात कर लिया इसका फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली विधि जो आपको बताई थी लास्ट पियर्स, कौन सी है? लास्ट पियर्स, लास्ट पियर मेथड, एल ए एस पी वाई आर ई एस, लास्ट पियर्स मेथड। पहली विधि यही है लास्ट पियर मेथड्स, याद करेंगे। तो क्या फार्मूला उसका लास्ट पियर मेथड का? P01 जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर P01 इज इक्वल टू सिग्मा, अभी मैंने पिछले वाले पेज में जो लिख करके दिए है, सिग्मा P1 बटा क्यू जीरो, सॉरी सिग्मा P1 इंटू क्यू जीरो डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 क्यू जीरो। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना ज्यादा जल्दी के चक्कर में, इसलिए जल्दी नहीं करनी है आपने और बड़े आराम के साथ जो है वो काम करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब कौन सी आइटम आई हमारी? सिग्मा P1 क्यू जीरो, ये लिखा हुआ मैंने P1 क्यू जीरो, ये वाली 660। देखो सारी मदद दी गई है, 660 डिवाइडेड बाई 635। क्लियर हो गया ना यहाँ लिखने से हमें? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 660 डिवाइडेड बाई 635 और मल्टीप्लाई बाई 100। हो गया क्लियर? बिल्कुल इजी हो गया। अब आप डिवीजन तो कर सकते हैं 660 डिवाइडेड बाई 635, या इसको इससे गुना कर दो और इसको डिवीजन कर दो, तो ये जो है हमारा कैलकुलेट करके जो आता वो 103.94। ये पहला हो गया। इसी तरह हम दूसरा जो है वो भी कर सकते हैं, पाश्चीय विधि, पाश्चीय विधि जिसको बोलते हैं मेथड्स, या हिंदी में पाश्चीय विधि जो है वो कहा जाता है। तो पाश्चीय के लिए क्या है? P01 मेथड का नाम जरूर लिखना है, किस मेथड से आप जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, पाश्चेज विधि। एक जस्ट लाइक सैंपल है जो आपके एग्जाम के लिए जो वो हेल्प कर सकता है। इसमें संख्याएं जो है वो चेंज हो सकती है, कोई भी संख्या एग्जामिनर जो है वो आपको दे सकता है। तो सबसे पहले पाश्चेज का फार्मूला लिखिए, P01 सिग्मा P1, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो इनको लिख दो, सारे पी के तो आना ही है, और करंट कौन सा लेना है ये और जो हर वाली संख्या है जिसको डिवीजन करना है वो आपने बेस में जो है वो ले ली है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो संख्याएं हमने निकाल ली है सीधा वहां पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। P1 Q1 क्या है, सॉरी 1560, यही है मेरे ख्याल P1 Q1 जो पीछे आई हुई है, P1 Q1 1560 है और डिवाइडेड बाई 1450 जो सिग्मा P0 इंटू Q1 है और इसको 100 से जो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा पाश्चे विधि से 107.59, ये हो गया सेकंड मेथड। और नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड जो फिशर आइडियल इंडेक्स भी कहा जाता है, फिशर का आदर्श सूचकांक जिसको बोलते हैं वो कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो थर्ड मेथड। फिशर्स मेथड कर देते हैं, इंडेक्स भी तो लिखा, फिशर्स मेथड लिख रहा है, ठीक है। फिशर्स मेथड, फिशर को कैसे निकालेंगे? ये
L into P, there are two ways. L into P, the whole under square multiply by 100, या फिर पूरा L जो है वो आप लिख सकते हैं और last square भी लिख सकते हैं. तो ये है last square method, उसका नाम लिखेंगे पूरा जो दिया गया sigma E1 into Q0 बटा sigma P0 into Q0. प्राइस ही इसमें जो है वो क्या है करंट दी गई है मल्टीप्लाई बाय पाश्चे. पाश्चे क्या है, अभी आपने पाश्चे के बारे में पढ़ा, सिग्मा ई वन क्यू वन बटा सिग्मा ई जीरो इंटू क्यू. मतलब तीन प्राय जो आइटम है वो हमारी करंट में है और एक जो है वो बीच में, इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 100. बिल्कुल आसान है ये, अगर आपको दोनों मेथड आते हैं तो ऑफिशियल जो वो निकाल सकते हैं. परंतु हमने अपने आंसर को चेक करना है क्या इस मेथड से आंसर ठीक है या इससे ठीक है. L into P, L मल्टीप्लाई बाय P, the whole square मल्टीप्लाई बाय 100, ये अंडर रूट. तो L क्या कितना आया आपका, ये 660 बटे हुआ 635 और जो करंट P1 जो आया आपका वो आया 1560 बटे 1450. मेरा चल यही आया है मेमोराइज एंड इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग और मल्टीप्लाई बाय 100. बिल्कुल अब इसको कैलकुलेट करा हुआ हमने दोनों को तो वहीं से हमें ये आंसर मिल जाएगा. पहला है 101.03 फर्स्ट जो है वो 103 पॉइंट समथिंग है और दूसरा है आपका 1.07. अगर पॉइंट्स में निकालना है तो मल्टी मल्टीप्लाई बाय 100. तो 1.03 को, हाँ ठीक है, 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.07, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.021. अंडर रूट में लिखा गया ये, तो इसका जो है हम निकाल लेंगे 1.1 का आप लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं कितना आएगा ये 1.05. तो ये आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 105. कहने का अर्थ ये है कि 103 आया था आपका. अब हम जब काम है लेस्टियन मेथड से, पाश्ची मेथड से आया आपका 107 और फिशर मेथड से आया आपका 105. मतलब इन दोनों से कंपैरिजन में ये जो है 105. There are so many examples, इसमें बहुत सारे उदाहरण जो है या सैंपल जो है वो आपकी बुक में दिए. कोई भी आप एक सैंपल लेकर के प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं और उससे अपने लिए जो है वो आइडिया जो है वो ले सकते हैं ताकि ये सम भी और थ्योरी जो है एग्जाम में आए. चाहे थ्योरी नए सिलेबस में 3 नंबर की आए, 4 की आए या सम आए, पर जरूर इसमें से 6 नंबर का जो आपके एग्जाम के लिए जो दिया गया है, दिस इज अ ब्रीफ जिसको बोलते हैं हम टिप्स विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम जो आपके काम जो है वो आ सकता है ये टॉपिक्स. तो इसी के साथ ये आज का टॉपिक जो मेरा कंप्लीट होता है. अगर कोई क्वेरी है, स्कूल तो एक ही जुड़ा है, अगर उसकी भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं. धन्यवाद.